तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको अपने प्रश्नों पर ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाण कालीन स्तर से संबंधित है। नाम बुनिहाल का दिया गया, कोलडिब्बा का दिया गया, शंगन कल्लू का दिया गया और ब्रह्मगिरी का नाम आपके स्क्रीन पे है। आपसे राख के टीले के बारे में पूछा गया है, कौन से नौपाषाण कालीन स्थल से संबंधित रहता है। प्रियंका गुप्ता जी नाम लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस यही है कि फ्रंट पे आपका नाम आए, मैसेज उस टाइम पे आएगा तो जरूर नाम पाएंगे। ठीक है, आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, दिलसे सलूट, सहित। इसका सही जवाब जो है वो शंगन कल्लू बनेगा मित्रों। तो राइट आंसर आपको बी के साथ यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कह रहा है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। नाम दिया गया भदरिया से मिले, नाम लेखाहिया से दिया गया, भीमबेटका से दिया गया और आदमगढ़ का नाम दिया गया। कौन सा शिलाश्रय है जहाँ से मैक्सिमम चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं, मैक्सिमम चित्र हमें प्राप्त होते हैं। मित्रों अगर हमें शिलाश्रय में मैक्सिमम चित्र की बात करनी है तो उसके लिए राइट आंसर जो देना पड़ेगा वो भीमबेटका के साथ देना पड़ेगा। तो हमें सही जवाब यहाँ पे बी के साथ लगाना पड़ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 3 की हम बात करते हैं। तो पूछा जा रहा है मित्रों आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आपका है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए अजंता है, बाघ है, भीमबेटका है या फिर अमरावती। आपसे पूछा गया कौन सा स्थल है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जाना जाता है। मित्रों प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो स्थल आपका फेमस होता है उसका नाम भी क्या होता है, उसका नाम भी आपका फाइनली भीमबेटका होता है। राइट आंसर आपको बी के साथ यहाँ पे लगाना है, बी इज द राइट आंसर हर हाल में लगाना है। राम बाबू जी वेरी गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर पढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 की बात आती है तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिता से या फिर चांदी के आहात से। आपसे पूछ लिया गया भारत में चांदी की उपलब्धता के जो पुराने वाले साक्ष्य मिले हैं मित्रों वो आपको कहाँ से मिले हैं। तो चांदी उपलब्ध रहा है वो साक्ष्य जो आपको यहाँ दिखाई देता है वो कहाँ से दिखाई देता है, की हम बात करते हैं। तो भारत में जो चांदी की उपलब्धता है मित्रों उसका जो पुराना वाला साक्ष्य हमें दिखाई देता है वो आपके हड़प्पा संस्कृति से दिखाई देता है। इसलिए जब हम यहाँ राइट आंसर्स लगाएंगे तो फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स अपना लगा लेंगे। फर्स्ट के साथ हम आंसर्स बनाएंगे, अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। आपसे पूछा जा रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। आपसे पूछा गया हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर कैसे रंग यूज किए गए, लाल रंग, पांडू रंग, नीला हरा रंग या फिर नीला रंग। आपसे हड़प्पा टाइम पीरियड की बात हो रही है, मिट्टी के बर्तनों पर कैसे रंग का प्रयोग किया गया मित्रों। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा में आपका इंडस वैली में लाल रंग का उपयोग किया गया है और कई जगह आपके काला रंग से यहाँ पे स्याह कलमी की कलाकारी भी की गई है। आप जानते हैं कई जगह काला रंग का क्या किया गया है, लेपन भी किया गया। तो सही जवाब आपको लाल रंग के साथ लगाना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना, ए के साथ आपको सही जवाब लगाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर सॉल्व करते हैं, प्रश्न संख्या 6 की बात आती है। पूछा गया निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में बाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में नहीं हुआ था। नाम गाय का दिया गया, गैंडा का दिया गया, हाथी और बाघ का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया कौन सी पशु है जो हड़प्पा संस्कृति की मोहर पे नहीं दिखती है। आप जानते हैं मित्रों उस पशु का नाम क्या है जो हड़प्पा संस्कृति के मोहर पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, उस पशु का नाम आपका काऊ यानी गाय है। सही जवाब गाय के साथ लगाना। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है मित्रों, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यूनिकॉर्न बैल का है, बैल का एक सींग वाला बैल ज्यादा फेमस है, ज्यादा प्रसिद्ध है।
आगे चला जाए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना सात नंबर आता है, प्रश्न संख्या सात की बात करते हैं। पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है मित्रों, वो पाया गया मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में, हड़प्पा में या फिर आलमगीरपुर में। आपसे पूछा जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बड़ा वाला स्नानागार मिला है मित्रों, बड़ा वाला स्नानागार मिला वो कहां से मिला है? तो आप भी जानते हैं बड़ा वाला स्नानागार का जो साक्ष्य मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, जहां पर आपका लाशों का ढेर प्राप्त हो, जहां पर आपके चौड़ी चौड़ी सड़कों का साक्ष्य मिला हो, 33 फीट चौड़ी सड़कों का साक्ष्य मिला हो, सही जवाब मोहनजोदड़ो लगाना, जिसे भूतों का निवास स्थल या फिर लाशों का ढेर कहा जाता है। तो सही जवाब मोहनजोदड़ो लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन आठ नंबर सॉल्व करते हैं, प्रश्न संख्या आठ की बात आती है। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? नाम आलमगीरपुर का उत्तर प्रदेश के साथ है, लोथल का गुजरात के साथ है, कालीबंगा का हरियाणा के साथ है और रोपड़ का पंजाब के साथ है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों, शब्द पकड़ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देना, और अगर आप सुमेल देखते हैं कि नहीं है तो एक ऑप्शन दिया गया कालीबंगा, कालीबंगा को हरियाणा के साथ लगाया गया, जबकि हरियाणा में बनवाली या बनावली है, बनवाली या बनावली है, जहां पर मिट्टी का हल मिला है। क्या मिला है मित्रों? मिट्टी का बना हुआ हल का साक्ष्य मिला है, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, वो स्थल आपका बनवा। आगे चला सर, अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा, नौ नंबर क्वेश्चन से, प्रश्न संख्या नौ की बात होती है। अभी इस क्लास की एक विशेषता बताते हैं मित्रों, जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस पेपर एक में सॉल्व करवाया, किसमें? प्रैक्टिस पेपर एक में सॉल्व करवाया है, 01 में। और इस पर आप लोगों का जो प्यार है मित्रों, 51,000 लोगों का प्यार है, 51 के व्यूज है इस पे, 51 के प्लस, और उसमें हमने बहुत अच्छे ढंग से बताया है आंसर्स के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, कट ऑफ के बारे में, सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन के बारे में। हमें उम्मीद है आप लोगों ने ये क्लास जरूर देखी होगी, प्रैक्टिस पेपर एक। अगर नहीं देखी है सर्च करिएगा, आ जाए, नहीं सर्च कर सकते आप प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा, वहाँ मिल जाएगा, देख करके अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा, सब अच्छा होगा। नौ नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है लोथल स्थित है। नाम गुजरात में दिया गया, राजस्थान में दिया गया, पंजाब में दिया गया और सिंध का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। अभी आप जस्ट आपने लोथल का मिलान किया, तो लोथल आपने कहाँ मिलान किया मित्रों? जब बात लोथल की आती है तो लोथल का मिलान आपको गुजरात के साथ करना पड़ता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ता है। Is the right answers बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, आपसे पूछा गया सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। नाम पशुपति का है, ब्रह्मा का है, इंद्र और वरुण का है, विष्णु का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिसको पूजते थे मित्रों, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भगवान पशुपति पूजे जाते थे, और पेड़ की या वृक्ष की बात आए तो पीपल का पेड़ लगाना मित्रों, पीपल का पेड़ ये लोग पूछते थे। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा, 11 नंबर क्वेश्चन से आपसे क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई जो है इसके प्रभारी कौन रहे हैं? जब खुदाई को लॉर्ड मैकाले रहे, क्लाइव रहे, सर जॉन मॉर्सल रहे या फिर कर्नल टॉड रहे। आपसे पूछ लिया गया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल के खुदाई के प्रभारी के रूप में कौन रहा मित्रों? अगर हम प्रभारी की बात करते हैं तो जो राइट आंसर्स बनता है वो तो जॉन मॉर्सल के साथ बनता है, बी के साथ हम सही जवाब लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, और प्रश्न संख्या 12 की अगर हम बात करते हैं तो पूछा गया हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, महत्व ही नहीं जान पाया, उसका नाम एक अर्निंगम है, मार्टिन वेलर है, जॉन मार्सल है या फिर जॉर्ज एफ डेल्स का नाम आपकी स्क्रीन पे है। हड़प्पा का उत्खनन करवाया लेकिन इस पुरातात्विक स्थल के महत्व को नहीं पहचान पाया, उसका जो नाम होगा
वो आपका ए कर्निंगम के साथ जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। राम बाबू जी का नेट नहीं चल रहा, राम बाबू जी नेट नहीं चल रहा है, ये आपके यहाँ एरिया का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ से सभी सेटिंग एकदम नॉर्मल, हमारे यहाँ से कोई दुविधा नहीं है सर। आपके यहाँ अगर मान लो आपकी जो अभी तक सुविधाएं दे रही थी सिम, वो कुछ दिक्कत दे रही हो, तो आप सिम पोर्ट करवा लीजिए। आप ये देख लीजिए वहाँ पे कौन से सिम की उपलब्धता है, नेट बढ़िया चलता है, उस माध्यम में आप पोर्ट करवा लीजिए सिम, ठीक है, जिससे आपकी क्लास ना छूटे, आप क्लास अच्छे ढंग से कर पाए। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा दो। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा, 13 नंबर। हमने आपसे कहा था कस्टमर केयर पे आपको अप्लाई कर देना, कस्टमर केयर पे सोल्यूशन नहीं मिलता है, बस यही कहा जाएगा नेटवर्क इश्यूज है, बहुत जल्द उसे ठीक करने प्रयास किया जाएगा। तो अगर सीयूजी नंबर से होता तो अलग बात हो जाती है। संध्या जी के यहाँ भी क्लास नहीं चल पाती, अच्छा ये नेटवर्क का इशू है और कोई बात नहीं है, आप लोग अपने कंपनी से जो है सॉल्व करवा लेना, सब अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? नाम सुमेरियन सभ्यता का है, सिंधु घाटी सभ्यता का है, वैदिक सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता की बात हो रही है। आपसे हड़प्पा के बारे में पूछा गया, कौन सी सभ्यता से इसका जुड़ाव होता है? अगर हम हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदाड़ो की बात करें, सही जवाब सिंधु घाटी सभ्यता लगाना है, बी इज द राइट आंसर लगा दो, बी इज द राइट आंसर लगा लो। देखो इस टाइम मौसम परिवर्तित हो रहा है, आपके क्षेत्र में लाइट की समस्या भी आ सकती है, आपके क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं हो सकती है, आपके यहाँ हो सकता अभी ज़्यादा बारिश हो जाए, और अगर तटीय एरिया है, आप नदी के किनारे या फिर किसी नहर के किनारे हैं, तो हो सकता रास्ते भी बाधित हो जाए, ये सारी समस्याएँ बन सकती हैं, इन्हें प्राकृतिक आपदा के रूप में लेना चाहिए और इस पर कुछ विशेष नहीं किया जा सकता है। छोटा सा आप अपने घर पे सनरूफ वाला क्या रख सकते हैं, सोलर पावर प्लांट। अब देखो सरकार किसकी बनती है, और कुछ सरकारें जैसे पूर्वगामी सरकार जो थी उसने शायद सोलर पावर प्लांट के बारे में कुछ कहा था, अगर आती है तो वो सोलर पावर प्लांट पे कुछ विशेष डिस्काउंट और देगी, अभी तक शायद 50-60% था, और ज़्यादा होगा तो आप लोग आराम से सोलर पैनल के थ्रू अपना काम बढ़ा लीजिएगा, उसमें बहुत फ़ायदा रहने वाला है। भविष्य की एनर्जी या तो सोलर एनर्जी है या फिर आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर सॉल्व करते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? नाम हड़प्पा का दिया गया, मोहनजोदड़ो दिया गया, लोकल और उपमेश्वर कोई नहीं का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया कौन सा स्थल आपका भारत में स्थित है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। आप सभी ऑप्शंस अगर पढ़ते हैं मित्रों, तो सभी ऑप्शंस में आपको गुजरात में लोकल है और ये भारत का हिस्सा है, बाकी ऑप्शंस आपके पाकिस्तान वाले में आते हैं। तो सही जवाब लोथल सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर आएगा और 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्थित है, क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मित्रों घर में कुआं का अवशेष हड़प्पा में मिला, लोथल में मिला, कालीबंगा में मिला या फिर मोहनजोदड़ो में मिला? आपसे पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे आपके घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, घरों में कुएं का साक्ष्य मिला है मित्रों, तो ऐसा काम आपके मोहनजोदड़ो में हुआ है। राइट आंसर आपको मोहनजोदड़ो देना पड़ेगा। सही जवाब की अगर हम बात करेंगे, नए बैच में आज क्लास मिलेगी, परेशान ना हो, आज हम सभी गुफाओं का रिवीजन करेंगे। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में सिंधु भारतीयों का नाम जुड़ा है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जोड़ने वाले रखादास बनर्जी और दयाराम साहनी है, जैन मार्शल या ईश्वरी प्रसाद है, आशीर्वाद लाल और श्रीवास्तव के साथ रंगनाथ राव है या फिर माधुस्वरूप वंसोर बीबी राव है? आपसे ये पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में सिंधु भारतीयों का नाम जुड़ता है, तो दो भारतीय आपके कौन कौन से होते हैं? तो पहला नाम रखालदास बनर्जी का होता है, दूसरा नाम दयाराम साहनी का होता है। तो रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी के साथ आपको आंसर लगाना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर से यहाँ पे बना लेना है, ए इज द राइट आंसर फाइनली छाप लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 17 नंबर आता है, हम प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं।
पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थल धक्कर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। आपसे पूछा गया धक्कर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में आलमगीरपुर है, मोहन जोधपुर है, लोथल है या फिर बनवाली। आपसे पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, आपसे पूछा गया कौन सा स्थल है जो घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में जो स्थित है मित्रों, उसका नाम आपको बताना है। राइट आंसर्स क्या होगा? राम बाबू जी धूप में ना खड़े हो, आप आराम से पहले छांव में हो जाओ, हम ये चाहेंगे आप आराम से छांव में रहो। धूप बहुत ज्यादा है भाई, तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप थोड़ा पहले ठंडे स्थल पे जाओ, कहीं पर भी जाओ। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा मित्रों, घग्घर और उसकी सहायक नदियों के बीच में जो आपका स्थल आता है उसका नाम आपका आलमगीरपुर होता है। राइट आंसर नहीं नहीं आलमगीरपुर तो आपके उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं। राइट आंसर बनवाली लगाना, बनावली लगाना मित्रों, डी के साथ आप आंसर बनाना, डी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 18 की हम बात करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलाकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। नाम कालीबंगा का दिया गया, कोटडीजी का दिया गया, धोलावीरा और आमरी का नाम दे दिया गया। आपसे हड़प्पन संस्कृति में शैलाकृत स्थापत्य के बारे में पूछा गया कहाँ से मिला मित्रों। अगर शैलाकृत स्थापत्य की हम बात करते हैं तो इसका जो दृश्य हमें मिला देता है वो हमारे धोलावीरा से मिलता है। राइट आंसर हमें धोलावीरा देना पड़ेगा, सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ेगा। सही जवाब बी के साथ लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले हुआ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले कौन करता है मित्रों? मिस्र के लोग करते हैं, मध्य अमेरिकी लोग करते हैं, मेसोपोटामिया के लोग करते हैं या फिर भारत के लोग करते हैं। मित्रों वस्त्र के लिए, कपड़ा के लिए हमें कपास की खेती सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है? तो कपड़ा के लिए हमें जो कपास की खेती सबसे पहले देखने को मिलेगी वो अपने इंडिया में देखने को मिलेगी। इसलिए जब आप राइट आंसर से यहाँ लगाना तो अपने भारत देश के साथ लगाना मित्रों, सही जवाब डी के साथ बना लेना, डी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आता है। पूछा गया निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। नाम हड़प्पा का है, लोथल का है, चंद्रमुगलो और मोहनजोदड़ो का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया मित्रों कौन सा स्थल है जहां सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा प्राप्त होती है। मित्रों को इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो वृषभ मुद्रा की बात आती है वो वृषभ मुद्रा हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिल जाती है। इसलिए जब आप राइट आंसर लगाना तो मोहनजोदड़ो लगाना, सही जवाब डी के साथ यहाँ छाप लेना मित्रों, डी इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति का मोहरों पर नहीं मिलता है। आपसे पूछा गया नाम बैल का दिया गया, घोड़ा का दिया गया, हाथी का दिया गया और भेड़ का दिया गया। आपसे पूछा गया कौन सा पशु है जो हड़प्पा संस्कृति कर मोहरों पे हमें नहीं दिखाई देता है मित्रों, आपको ये बताना है। तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पे जो नहीं दिखाई देता है उसका नाम क्या है? उसका नाम यहाँ भेड़ के साथ लगाना। किसके साथ लगाओगे? भेड़ के साथ लगाओगे, डी के साथ आप यहाँ राइट आंसर बनाना मित्रों, डी इज द राइट आंसर आपका बैठेगा, सही जवाब डी के साथ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आता है मित्रों। आपसे कह रहा है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। नाम बनावली का दिया गया, लोथल का दिया गया, कालीबंगा और सोपोरता का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों राइट आंसर्स क्या हो। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मृण पट्टिका पर हमें सिंह युक्त देवता की अगर बात करनी है सही जवाब जो बनेगा वो कालीबंगा के साथ बनेगा, सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा, सही जवाब बी के साथ लगाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्राई नाम है, त्राई नाम है तीन वेदों का, धर्म संघ और युद्ध का, हिंदू धर्म के तीन देवताओं का या फिर तीन मौसमों का। आपसे त्रयी नाम के बारे में पूछा गया, त्रयी की अगर बात करते हैं, प्रदीप कुमार जी देखते हैं अगर आपका पेमेंट आया होगा ग्रुप में ऐड किया जाएगा, 07 वाले नंबर पे व्हाट्सएप करें सर, वहां आपको जल्दी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, त्रयी नाम के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं, त्रयी की अगर बात करते हैं तो ये तीनों वेदों का नाम,
आप जानते हैं वेदों की संख्या फिलहाल चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका सबसे लेटेस्ट वाला है, सबसे नया वाला है, लेकिन जो कल धातु से गला की उत्पत्ति हुई है वो आपके ऋग्वेद से हुई है, ये बात जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा, पूछा गया वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। वैदिक नदी कुंभा का जो स्थान है मित्रों वो कहाँ निर्धारित होना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, चीनी तुर्किस्तान में या फिर पंजाब। आपसे पूछा जा रहा है वैदिक नदी कुंभा का जो स्थान है वो कहाँ निर्धारित होना चाहिए। अगर हम वैदिक नदी कुंभा का स्थान पूछ रहे हैं मित्रों तो आपको किसके साथ जाना है, मामा के साथ जाना है। और मामा कौन है आप जानते हैं, शकुनी। शकुनी का स्थान कहाँ है, अफगानिस्तान। तो राइट आंसर क्या लगाना पड़ेगा, अफगानिस्तान के साथ हमें लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाने के। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। नाम दिया गया तक्षशिला, कौशाम्बी, नाम अंतरीजी खेड़ा और हस्तिनापुर का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिल जाते हैं। तो लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें जो मिलता है वो अंतरजी खेड़ा से मिलता है, इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाना लौह धातु के लिए तो अंतरजी खेड़ा आंसर्स बना लेना, बी इज द राइट आंसर्स लगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है, आपसे पूछा जा रहा है क्या, आपसे कह रहा है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। नाम बृहदारण्यक उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद है, कठोर उपनिषद है और केन उपनिषद का नाम दे दिया। आपसे अध्यात्म ज्ञान उसके साथ नचिकेता और यम का जो संवाद हमें दिखाई देता है, नचिकेता और यम का जो संवाद है मित्रों वो आपके कठोपनिषद में उद्धृत है। तो राइट आंसर आपको कठोपनिषद के साथ देना है, सही जवाब आपको सी के साथ यहाँ लगाना है, तो सी इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चला जाए तो अपना 27 नंबर क्वेश्चन आपके आपसे कह रहा उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं, धर्म पर है, विविध पर है, योग पर है, दर्शन पर। आपसे पूछा गया उपनिषद पुस्तकें हैं मित्रों, अगर उपनिषदों के पुस्तक की बात हम करते हैं तो उपनिषद किसके पुस्तक होते हैं आप जानते हैं, उपनिषद जो आपके हैं वो दर्शन से आधारित पुस्तकें हैं। राइट आंसर आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाए 28 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन है, राज्य है, विधि है, सामाजिक व्यवस्था है। आपसे पूछा गया मित्रों मुख्य विषय क्या है, उपनिषद का जो मुख्य विषय बताया जाता है वो मेन विषय क्या होता है। तो उपनिषद का जो मेन विषय बताया गया है वो आपका दर्शन ही बताया गया है, इसलिए जब आप राइट आंसर्स यहाँ लगाएंगे दर्शन के साथ आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का शब्दों में सूचक है। आपसे पूछा गया अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों का सूचक भी है आस्कनी नदी, कुंभा या क्रम नदी, पारुषणी नदी या फिर विपासा या फिर सुतुद्री नदी। आपसे पूछ लिया गया ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख है जिसमें अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का भी सूचक बताया जाता है, उस नदी का नाम जो होता है वो कुंभा या फिर क्रम नदी होता है। राइट आंसर जो लगाना पड़ेगा कुंभा या क्रम के साथ देना पड़ेगा मित्रों, सही जवाब आपका सी के साथ आंसर बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं, तो ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, परिवर्तित काल में उसका अर्थ हुआ है शस्त्र है, लिपि है, कृषि औजार है या फिर सिक्का है। आपसे निष्क के बारे में पूछा गया है मित्रों, अगर हम निष्क की बात करते हैं तो आप भी जानते हैं निष्क आपका क्या है, निष्क आपका चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद सिक्का है। राइट आंसर डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर फाइनली लगा लेना है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे तो आपसे कह रहा है ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। निष्क की अगर बात करते हैं मित्रों तो कौन से अंग का आभूषण था। नाम दिया गया कान का था, बाहु का था, गला का था या कलाई का। निष्क हम कहाँ यूज करते थे मित्रों, तो निष्क आप जानते हैं कि गले में यूज करने वाला था। राइट आंसर आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, गला आंसर देना पड़ेगा,
बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बनाना, बी इज द राइट आंसर्स लगाना, सही जवाब बी के साथ बनाना। अब आपको बताना है 31 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या है, ईमानदारी के साथ बताना। इसका अगर आपको कंप्लीट वर्जन देखना है तो आपको अभी किसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, जिसपे 51,000 लोगों का प्यार मिल चुका है मित्रों। तो उस क्लास की भी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ 125 क्वेश्चंस का डाटा है, ठीक है।